नगर में दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरिंदों ने मिलकर सोच करने गई किशोरी को अगवा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया। दरअसल कोतवाली क्षेत्र खलीलाबाद के एक गांव में कक्षा 9 की छात्रा से देर रात उन्होंने दुष्कर्म करने की कोशिश की। आपको बता दें कि छात्रा रात में खाना खाने के बाद शौच करने के लिए घर से पीछे गई थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे दरिंदों ने किशोरी का मुंह दबाकर घर के कुछ ही दूरी पर ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और जैसे तैसे किशोरी जान बचाकर घर पहुंची तो उसने साथ हुई अपनी घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। इस पर किशोरी के पिता अरविंद का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमने शाम को लाया आधा किलो मुर्गी, बनाए बच्चे से, बनाओ बेटा खाया जाए और खा पी करके अपने घर में सो, हम अपना गैलरी में सोएंगे और खाना खाने के बाद सो जाओ और कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। तो मैं 7:30 बजे सो गया, सोने के बाद खाना खाने के बाद लेट गया, वो बस मेरी नींद लग गई। उन्होंने गई सुसु करने, सुसु करके उसके बाद वो लोग लख रहे थे पीछे से, बस मुंह दाब करके कपड़े में पीछे रास्ते से निकाल लिए गए दाएं साइड में, दाएं साइड जो कोई देख ना पाए। आज यही बात है सर। क्या हुआ? और उसको ले गए 2-3 घंटे उसको एडजस्ट किए, बाद में तब वापसी पता नहीं कैसे आई, भगवान की मर्जी से मुझे मालूम नहीं। कौन थे जो ले गए? वो अनिल थे और मनोज नाम के थे, बच्ची से पूछा जब तो यही नाम बताई। वो दोनों कहाँ के थे? गांव के ही है, मेरे घर से थोड़ा पीछे ही रोड पे ही है, मेरा खेत के सामने है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लेके चले गए तब। इस पूरे मामले पर एक महिला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मामला यह है कि 13 साल की बच्ची है, वो टॉयलेट करने के लिए रात को उठी और उसके बाद गांव के 2 लड़के हैं उन्होंने क्या किया, वो टॉयलेट करके जैसे ही उठी वो दोनों बच्चे क्या किए, उसका मुंह पकड़ के पीछे से उसको घींच के लेके चले गए, आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे लेके गए और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की या किए या किए, और वो वहाँ से किसी तरह से भाग हो के घर पे आई और तुरंत अपने पिता को जगाया और फिर उसके बाद फ़ोन किया। गांव के जितने वरिष्ठ लोग हैं वो लोग मिल के थाने पे गए, थाने से पुलिस को बुलाया और थाने से पुलिस उन लोगों को अरेस्ट की, रात को ही अरेस्ट की और लेकर गई। जो गांव के अच्छे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने बच्ची का और बच्ची के पिता का साथ दिया। बच्ची की माँ नहीं है, बच्ची की पिता और एक उसकी बहन, और वो 2 लोग घर पे थे। बच्ची हॉस्पिटल में लेके गए उसका मुआयना कराने के लिए। इसमें आरोपी 2 हैं, एक का अनिल कनौजिया है और एक मोनू कहते हैं, मुस्लिम है। परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अनिल और मोनू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने 13 वर्षीय किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। दरिंदगी की पीड़िता किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। इस पर जानकारी देते हुए SP सत्यजीत गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। थाना क्षेत्र खैलाबाद में पीड़िता द्वारा बताया गया शाम 7 बजे दिनांक 21 फरवरी 2023 को उसके गांव के ही 2 युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की गई है। तत्काल उसकी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो 2 अभियुक्त हैं, दोनों अभियुक्त को हिरासत में लेके इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कराया जा रहा है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा और अग्रिम वैधानिक इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये थी संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।